कोरोना त्रासदी के बाद विश्व में मजबूती से उभरा भारत संजय सेठ। भाजपा रांची महानगर के जिला कार्यालय में आम बजट पर हुई चर्चा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। कोरोना काल में पूरे विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों और सटीक उपायों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आने में सफल रही है। कोरोना त्रासदी के बाद भारत विश्व में मजबूती के साथ उभरा है। भाजपा रांची महानगर के सभागार में आम बजट पर चर्चा के दौरान सोमवार को यह बातें सांसद संजय सेठ ने कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत ने साबित किया कि हमारी वैज्ञानिक तथा चिकित्सीय शोध प्रणाली बहुत मजबूत है। इसी का परिणाम है कि दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन भारत ने उपलब्ध कराई। इसे लेने के लिए दुनिया के लगभग 100 देश कतार में हैं। कोरोना काल के दौरान पूरे भारतवर्ष में 80 करोड़ लोगों को लगातार 6 महीने तक मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया गया, जो कि एक मिसाल है। बजट में कोई अतिरिक्त भार नहीं। श्री सेठ ने कहा कि कोरोना काल के बाद जहां पूरा देश इसके लिए तैयार था कि बजट में अतिरिक्त भार पड़ेगा, उस वक्त ऐसे बजट का आना जिसमें कोई अतिरिक्त भार नहीं दिखा, वो उत्साहवर्धक रहा। इससे भारत के सभी सेक्टर में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसका सीधा नतीजा भारतीय शेयर बाजार में अभूतपूर्व चढ़ाव के रूप में देखा गया। वहीं बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा रांची महानगर जिलाध्यक्ष के गुप्ता ने कहा कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बजट है। इससे वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन मिलेगा, जो निकट भविष्य में सुखद परिणाम देगा। यह बजट भारत को मजबूत बनाने में सहायक साबित होगा। वहीं भाजपा रांची महानगर के सोशल मीडिया प्रभारी रजनीश पांडे ने कहा कि आम बजट संतुलित बजट है, जनता का हित देखते हुए इसे बनाया गया है। यह गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता को दर्शाता है। चर्चा में मौजूद मुख्य अतिथि तथा विशेषज्ञ CA JK शर्मा ने बजट से संबंधित लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए और बजट के शुभ प्रभावों को बताया। कार्यक्रम का संचालन रांची जिला महामंत्री बलराम सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन अरविंद सिंह पिंटू ने किया। आजाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।